Morning student, today we will start our political chapter number 1, the Constitution of India. आज हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट. तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की. थर्ड इज फेडरलिज्म. फोर्थ नंबर पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फिफ्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. सिक्स्थ इज फंडामेंटल राइट एंड सेवन्थ इज सेक्युलरिज्म. तो इस चैप्टर में हम ये सारे पॉइंट्स क्या करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं. तो फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. तो यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्या लिखा होता है, रूल्स लिखे हुए होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें क्या लिखे हुए हैं, रूल्स. अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. कभी आपने गेम खेला है, ऑफकोर्स खेला होगा. अगर आप कोई गेम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, अगर उसमें कोई रूल और रेगुलेशन के बिना आप वो गेम खेलते हो, तो क्या वो सक्सेसफुली रन आउट होता है, नहीं. वहाँ पर अगर बिना रूल्स के अगर आप कोई गेम खेलोगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा. तो जिस तरह अगर हम गेम खेलते हैं, तो गेम को रन करने के लिए सक्सेसफुली रूल्स की जरूरत होगी. अगर रूल्स के हिसाब से अगर गेम खेलते हैं तो सिस्टम कहते हैं कि वो चलता है. तो उसी तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारी कंट्री और सोसाइटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड लॉ टू गवर्न द सोसाइटी. अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, हमारे देश को चलाने के लिए, हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए. क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल है. रूल जब जहां पर रहेंगे वहां पर स्मूथली हर कोई चीज काम अच्छे से चल सकता है. पर अगर वहां पर रूल्स नहीं है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, तो क्या वो अच्छे से रन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पर हो गया. देन आता है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंट, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो जो फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन. क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जो राइट्स मिलते हैं, हमें जो अधिकार मिलते हैं, उनको वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. देन इट लिमिट्स द पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब हमारी गवर्नमेंट कितने ऑर्गन्स में डिवाइड कर दी गई है, थ्री तीन ऑर्गन्स में डिवाइड कर दी गई है. कौन कौन सी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट एंड जुडिशियल. लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, मेकिंग ऑफ लॉ, ये क्या करती है, लॉ बनाती है. फिर एग्जीक्यूट क्या करती है, उसे लॉ को एग्जीक्यूट करती है. और जुडिशियल क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, न्याय करता है. तो ये क्या करता है, इनके पावर्स को, जिनके पास पावर डिवाइड होता है, इनके पावर्स अगर लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूट सही तरह से काम नहीं करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इनके पावर्स को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, इनको कंट्रोल में रखता है. द थर्ड वन इज इट मेक स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज. माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गई, मैंने आपको एसएससी में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, सेवन क्लास में, कि कुछ हमारे देश में ऐसी ट्राइब्स हैं जो हमारे साथ अभी जितना हमने डेवलपमेंट किया है उतना वो डेवलपमेंट नहीं करते, वो अभी भी जंगलों में रहे होंगे, या कुछ स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल कास्ट से रिलेटेड या ट्राइबल से रिलेटेड, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, सोसाइटी में बैकवर्ड होते हैं. तो उन लोगों के लिए क्या करता है, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको भी देश के साथ जोड़े रखना है हमें, तो उनका भी ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन ही रखता है. इट गार्ड आवर फंडामेंटल राइट. और टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं ये आपको याद रखना है, और कौन कौन से होते हैं मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं. जब नेक्स्ट वीडियो जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो टॉपिक हम करेंगे, उसमें मैं आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है. तो ये गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को. टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, सिक्स. और वो सिक्स फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से देख लीजिए, राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ इज राइट टू
फर्स्ट सिचुएशन एक बुक है जिसमें क्या लिखा गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन। क्यों लिखा गया है? क्योंकि गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए, लोग देश के प्रति सही तरह से काम करे और उसके अकॉर्डिंग चल सके, दोनों के लिए ही है, गवर्नमेंट के लिए भी है और हमारे लिए भी है। रूल रेगुलेशन हमारे लिए भी होता है, हम भी लोगों को ब्रेक नहीं, हम भी लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो गवर्नमेंट चला रही है वो गवर्नमेंट के पीपल भी क्या करेंगे, कानून को ब्रेक नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन बुक है जिसमें क्या लिखा हुआ है, रूल एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हमारे राइट्स को लिमिट कर देते हैं। पावर, किसी पावर, जब कभी पावर किसी के हाथ में जाती है तो अगर वो उसका सही तरीके से यूज नहीं करता है तो उसके पावर को लिमिट करने का भी काम या डायरेक्शन वो सारे किसमें लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट और जुडिशियल। इनमें ये रूल्स रेगुलेशन इनमें पावर्स क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अगर ये सही तरीके से नहीं काम करते तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे रूल्स लिखे गए हैं जो इनके पावर्स को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा। देन आता है हमारे कुछ सोसाइटी में बैकवर्ड लोग हैं, कुछ स्पेशल माइनॉरिटी लोग होते हैं, कम डिजिट में होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए इनको भी हमारे साथ जोड़े रखना है, ये बहुत बैकवर्ड है, तो इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं जिसकी वजह से इनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। देन ये गार्ड करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6। तो ये आज आपका, आपको बस इतना ही पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।